किसान भाइयों, आप सभी का खेती किसान यूट्यूब चैनल में स्वागत है। मैं हूं आपका अपना दोस्त ऋषभ चौहान। किसान भाइयों, आज हम आपके लेकर आए हैं मिनी कंबाइन मशीन। अभी तक आपने जितनी मशीन देखी है बड़ी कंबाइन मशीन होती है, लेकिन कुछ हमारे जो छोटे किसान भाई होते हैं वे खरीद नहीं पाते हैं, तो उनके लिए ही काफ़ी कम कीमत में मिनी कंबाइन मशीन आई है, जिसे किसान भाई खरीद कर अपने फसल में उसका इस्तेमाल कर हार्वेस्टिंग कर सकता है। तो हमारे साथ सर हैं जो कि इस मिनी कंबाइन के बारे में आपको पूरी जानकारी देंगे। तो सर नमस्कार। नमस्कार भाई। सर जो हमारे किसान भाई, आप उन्हें अपना छोटा सा परिचय दें और अपने इस कंपनी के बारे में बताएं। सर मेरा नाम अभिषेक शर्मा है और मैं अपने सर एग्रोटेक में कंट्री हेड हूँ और ओवरऑल सर मार्केटिंग सेल्स सारा मैं ही देख रहा हूँ यहाँ पे जी। और बेसिकली आपको मैं बताता हूँ सर, किसानों को मेन चीज़ें सारी ध्यान में रखते हुए सर ये हमने ये स्मॉल टाइप हार्वेस्टर बनाई है। इसमें क्या है सर, कई किसानों की डिमांड थी, हमें महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, MP सभी जगह से ये डिमांड आ रही थी भी। कई किसानों का बजट कम होता है और उसके अकॉर्डिंग ही उनको थोड़े स्मॉल टाइप हार्वेस्टर चाहिए होती है। कई जगह में कंजेस्टेड एरिया जहाँ पे 14 फीट वाली हार्वेस्टर नहीं जा सकती थी, तो उसी सारी चीज़ों को फीचर में देखते हुए हमने ये हार्वेस्टर डिज़ाइन किया है। इसका 8.5 फीट कटर बार है सर। 8.5 फीट का? हाँ। जो कि बेसिक किसान का जो रास्ता होता है, देखो हाँ। चकबंदे में वो 10 फीट का हो जाता हाँ है जी, हाँ जी, हाँ। लेकिन ये उन किसान भाइयों के लिए अब उपयोगी है हाँ। क्योंकि बड़ी कंबाइंडर मशीन वहाँ नहीं जा पाती। हाँ जी, हाँ जी सर। जी सर। तो वो क्या है, कटर के साथ अटैच क्या था, कई गलियां या कहीं पे भी गाँव में कंजेस्टेड एरिया होता था तो वहाँ पे ये बड़ी हार्वेस्टर नहीं जा सकती, तो ये सभी जगह जा सकती है। इसीलिए ये सारी चीज़ों को ध्यान रखते हुए इसी मशीन को हमने डिज़ाइन किया है। ये 31 इंच बॉडी में है सर और ओवरऑल इसका जो 8.5 फीट का कटर बार है आप देख रहे हो। और किसानों की जैसे जैसे डिमांड थी भी हमें ये लेटेस्ट फीचर चाहिए और सारी क्वालिटीज़ चाहिए, तो वो सारी चीज़ें इसमें आपको सभी में मिलेंगी सर, और रीज़नेबल प्राइस में है। रीज़नेबल सर, अगर इस मशीन की हम बात करें कि हाँ। किन किन फसलों की हार्वेस्टिंग कर सकती है ये सर? ऑल टाइप क्रॉप करेगी, बिना गन्ने की फसल के बिना बाकी सारी फसलें ये काटेगी जी। और ओवरऑल सारा इसका आपको मैंने स्पेसिफिकेशन बताई दिया। और इसमें 76 HP का इंजन है, 4 सिलेंडर इंजन है, अशोक लेलैंड का पेटी बंद इंजन आता है सर। और इसके सर इसमें टायर कितने के दिए गए इस मशीन? टायर सर 15 के टायर हैं इसके, जैसे जो ट्रैक्टर वाली हार्वेस्टर होती है उसके 16 के टायर होते हैं, उससे बड़ी जो सेल्फ कंबाइन हार्वेस्टर होती हैं उसके 18 के टायर रहते हैं, इसके 15 के टायर रहेंगे। इसका जो फ्रंट है, फ्रंट आगे से सर ऐसे मान के चलिए 8.5 फीट का है। और जो इसमें जो मेन क्वालिटी आपको मैं बताता हूँ, जो ये टाइन है, ये टाइन तक हमने पाउडर कोटिंग में दी हुई है सर, सारी ओवरऑल मतलब हैवी ड्यूटी है। जैसे मान के चलो कोई भी ब्रांड वैल्यू है, तो कोई भी ब्रांड होता है उसमें क्या है सर, ये टाइन वगैरह सारी लोअर क्लास की लगा रखी होती है, तो इसमें टाइन तक भी हमने पूरी हैवी ड्यूटी लगाई है। ओवरऑल ये रील भी इसकी पाउडर कोटिंग में है, ओवरऑल सारी मशीन। सर आप इस अपनी मशीन को पीछे से किसान भाइयों को दिखाएं कि ये कैसी देखने में लगती है। आइए सर, क्या क्या इसके अंदर पीछे से फीचर्स दिए गए हैं? आइए आइए सर। ये सर इसका फीडर बॉक्स है, पहले आपको मैं बता देता हूँ। इसके एलिवेटर, फीडर और कटर में जहाँ पे ये अटैच्ड होता है तो वहाँ पे सभी जगह स्टेनलेस स्टील लगा हुआ है सर। स्टेनलेस स्टील लगाने का रीज़न ये है सर, जैसे मान के चलो कई हार्वेस्टर कंपनियाँ क्या है इस जगह पे लोहा लगा देते हैं, 10 गेज की चादर यूज़ करती हैं जी जी, तो उसमें क्या है सर ज़्यादातर घिसाई यहीं से होता है, तो वो किसानों को ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिलता, थोड़े टाइम बाद वो घिस जाता है लोहा, तो वो चादर में गलियाँ निकल जाती है। तो अगर यहाँ पर स्टेनलेस स्टील लगा रहता तो वो लॉन्ग टाइम चलती है। और इसकी सारा ये अपना इसका टैंक आ गया, ग्रेन टैंक है, ग्रेन टैंक की इसकी जैसे मान के चलो कैपेसिटी सर 10 क्विंटल गेहूँ आ जाती है। 10 क्विंटल की? हाँ जी सर। और सर ये इसमें पीछे के टायर कितने दिए गए हैं और एक घंटे में ये कितना एकड़ एरिया को निकालती है? ये सर पीछे के टायर आप ये चेक कर रहे हो, ये यहाँ पे इसको पीछे के टायर जो दिए हुए हैं 7.5-16 के, हाँ 7.5-16 के हैं ये। और ये आपके आगे वाले टायर, आगे वाले टायर जो हैं 15-9-28 के हैं जी सर, ठीक है ना सर, जो आप देख के चेक कर सकते हैं। और इसमें सर बेसिकली ये सारी स्पेसिफिकेशन दी हुई है, इसके फ्रंट में सभी जगह आगे पीछे सभी जगह LED लाइट्स दी हुई जी, जी। आपको LED लाइट्स का मैं बताता हूँ सर, बेसिकली क्या है, जैसे दूसरी हार्वेस्टर कंपनियाँ होते हैं उनमें क्या है हेलोजिन की लाइटें यूज़ की जाती हैं, तो हेलोजिन की लाइटें एक तो लाइटों में उनकी लाइट भी नहीं इतनी ज़्यादा होती और बैटरी की खपत ज़्यादा होती थी, तो इसमें LED लाइट में क्या हो जाता है सर, लाइट भी ज़्यादा होती है और बैटरी की खपत भी कम होती है और लाइफ ज़्यादा बढ़ जाती है। तो सर ये एक घंटे में कितना डीजल लेती है? एक घंटे में सर ऐसे मान के चलिए ये सर 4 से 5 लीटर ले लेती है। 4 से 5 लीटर। सर अगर इसकी कीमत की बात करें, क्योंकि एक छोटा किसान और ये छोटी मिनी कंबाइंड मशीन उसके लिए बहुत ही उपयोगी रहेगी, हाँ तो इसका प्राइस कितना रखा गया सर, है ताकि उसे खरीद सके? प्राइस रीजनेबल रखा है, जैसे मान के चलिए जो अभी आज की डेट का जो इसका प्राइस है वो 15,90,000 मात्र 15 लाख रुपये हाँ 15,90,000 रखा हुआ है।
जी सर। तो सर क्या इस मशीन पर सब्सिडी उपलब्ध है? यस सर, ये अभी जैसे मान के चलिए सर, ये इसी साल हमने लॉन्च किया, अभी सभी जगह जैसे मान लो नेक्स्ट सीजन से इसके ऊपर सभी जगह पे सब्सिडी भी मिलेगी किसान भाइयों को। सब्सिडी मिलेगी किसान भाइयों को? जैसे मान के चलो सर, बड़ी हार्वेस्टर के ऊपर सब्सिडी मिलती है सर 8.5 लाख रुपया सब्सिडी मिलेगी, अब उसी हिसाब से इसके ऊपर भी सब्सिडी मिलेगी सर। तो यानी कि आधी कीमत पे पड़ती है किसान भाइयों के और बहुत ही उपयोगी रहती है। यस तो सर, अगर कोई किसान भाई इस मशीन को खरीदना चाहे तो उसको कैसे खरीदे? तो सर वो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मेरा नंबर है 9872680017, वो कभी भी इस नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं सर। तो सर आपने हमारे किसान भाइयों की बहुत अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। किसान भाइयों, जैसे कि आपने देखा इस वीडियो में आपको बहुत अच्छी जानकारी मिली, किसान छोटे जो हमारे किसान भाई है उनके लिए ये बहुत अच्छी मशीन है जिसकी कीमत 15,70,000 रुपये रखी गई है और आप इसे खरीद भी सकते हैं, और जो छोटे किसान भाई उनके लिए बहुत ही उपयोगी रहेगी। तो किसान भाइयों, ये वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब करें, जल्दी एक नई वीडियो नई जानकारी मिलते हैं, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।